एक मिनट प्रवीण, एक मिनट, आज तो फैसला होकर रहेगा, कह देता हूँ मैं। हाँ तो होने दो ना फैसला, हर बार बड़े भाई होने का फायदा मत उठाओ तुम मोटा भाई। और तू हमेशा पहले घुस जाता है बाथरूम में, उसका क्या बता? एक्सक्यूज मी, एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं, एनी प्रवीण, ऐसा पूछो। अनिश, तुम हम दो भाइयों के बीच में ना पड़ो तो ही अच्छा है। अच्छा? अरे क्या अच्छा, नहीं तुम ही बताओ क्या सही है। मैं नीचे आया नहाने के लिए, बाथरूम खाली था, तो कौन जाएगा नहाने? एक मिनट, इस तरह नहीं, पूरी बात डिटेल में बताओ। सुनो मेरी बात सुनो, पहले मैं आया, मैंने गीजर ऑन किया, लेकिन मैं तौलिया भूल गया था इसलिए मैं लेने गया। जब मैं वापस आ रहा हूँ तो मुझे आता देखकर ये दौड़ा अंदर बाथरूम में जाने के लिए। तो बताओ पहले किसका हक बनता है बाथरूम में जाने का? अरे अनिश, मेरा हक बनता है। कोई नहीं जाएगा, मैं पहले जाऊंगी, मुझे कॉलेज जाना है। देखा, इतनी देर में तो मैं ना लेता। जाओ बेबी, तुम जाओ नहाने अब। हाँ बेबी, मैंने गर्म पानी रख दिया अंदर, तुम नहा लो, मैं ऊपर नहा लेता हूँ, उसमें क्या है। एक मिनट प्रवीण, एक मिनट, मैं जा रहा हूँ नहाने को। वाह यार, क्या रोब है तुम्हारा, एक बार बोला वो लोग मान गए। ये लोग हिलने को तैयार नहीं थे यहाँ से, तुमने तो सीधा उन्हें गायब ही कर दिया। बात सुनिए, आप मैजिशियन है या परी है? मैं तो परी हूँ विथ टू जादू की छड़ी। I didn't mean that. It's okay. दूसरों के लिए ये बैसाखी होंगी, लेकिन मेरे लिए तो ये जादू की छड़ी है, जिसके जादू से मैं चल सकती हूँ। अच्छा, अब जाके नहा लो, नहीं तो कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। कैसा कॉलेज, आज तो जन्माष्टमी की छुट्टी है। मैंने तो मोटा भाई को झूठ बोला खास तुम्हारे लिए। You are a very, very sweet bride. You know that? अच्छा अनिश, तुम नहा लो। हाँ, सी यू अनिश। अनिश वेट, ये लो, ये शावर जेल है, ये शैम्पू और ये कंडीशनर, जो सूट करता है यूज कर लेना। ये यूज करूँ मैं? हाँ। अगर ये सब यूज करूँगा तो लड़कियों जैसी खुशबू आएगी मुझ में से। और जो अंदर पड़ा है वो यूज किया ना, तो मेरे अंकलों जैसी खुशबू आएगी। यू स्मेल लाइक अ ठक्कर। एक्चुअली यू नो व्हाट, तुम्हारी फैमिली बहुत स्वीट है, सो खुशबू के जरिए ही सही, अगर मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा बनता हूँ तो आई डोंट माइंड। इसलिए मैं अंकल वाले साबुन से ही नहाऊंगा, ठीक है? क्या हुआ, काम हो गया? हाँ हो गया, अनिशा कल बाथरूम में गई। यस, अब आएगा मजा, मैं किसी को बाथरूम में भेजूंगा, धड़ाम से दरवाजा खुलेगा और शेम 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 पप्पी शेम। लेकिन किसी को पता चल गया तो कि हमने ये शरारत की है? किसको पता चलेगा, कौन बोलेगा? हा? अगर तुम लोग में से किसी ने भी बोला है ना, तुम मेरे हाथ के दो खाओगे। चैताली, तू तो बोलना ही मत। तुम लोग अपने घर में ऐसी मस्ती करते हो? चंबू, तू कुछ बोला ना तो तेरे घर पे आके मस्ती करेंगे, समझा? पर तुमने टूटे हुए हाथ से कड़ी तोड़ी कैसे? तोड़ी नहीं है, तुड़वाई। किससे? गट्टू काका से। और बाथरूम में जाएगा कौन? गट्टू काका। भाभी हो गया? अरे हो रहा है ना प्रवीणा। जल्दी। हाँ मीनाक्षी, थोड़ा पीछे रहो। अच्छा भाभी। अरे वहां रख दो ना, क्या मेरे सर पे रखोगी? नहीं नहीं, जल्दी जल्दी आ जी। चिप्स चिप्स भाभी, मैंने ना लिया, ऐसे ऐसे फटाफट ना लिया मैंने, मुझे फटाफट चिप्स दो अभी। अरे क्या फटाफट गट्टू भाई, ये देखिए ना, मीनाक्षी की फटफटी ढाई घंटे लेट आई है। मीनाक्षी, पिछली बार तो डेढ़ घंटे में ही चिप्स काट दी थी, इस बार क्या हुआ? वो भाभी, वो फुटपट्टी से नाप नाप के काटने में ढाई घंटा तो लगेगा ही ना। फुटपट्टी से नाप नाप के? मीनाक्षी, तुमने ऐसी चिप्स क्यों काटी? सीधी सती काटनी चाहिए थी ना। मुझे चलेगा, मैं खाऊं? कट्टू भाई, ये कच्ची है, कच्ची खा सकते हैं आप, इसे तलना पड़ेगा, बाद में खाइएगा। मुझे कच्ची चलेगी, मुझे बहुत भूख लगी है भाभी। कट्टू भाई, दो मिनट। अच्छा अच्छा मीनाक्षी। हाँ भाभी। फ्रेंच फ्राइज की एग्जाम थी,
तो फिर ऐसी क्यों काटी, सीधी सादी क्यों नहीं काटी? मुझे वो नहीं, कुछ नहीं किया, ऐसा मत कहना भी। क्या प्रवीणा, सुबह सुबह शुरू हो गए तुम लोग। तो क्या करूं, अच्छा हुआ भाभी इसे राजगिरी की पूरी बनाने को नहीं कहा, वरना ये मानव का कंपास लेकर यूं यूं गोल गोल काटती। क्यों ऐसे ही ऐसे ही? अब खड़ी क्या हो, जाओ यहाँ से। अच्छा अच्छा नहीं जाओ। चिप्स बाद में। क्या प्रवीणा, खामा खामे डांट दिया तूने मीनाक्षी को। मैंने तो कहा था उसे लंबी लंबी आलू की चिप्स काटने के लिए। अरे अनीश कुमार जी, अरे वो अमेरिका का रहने वाला है, उसे मैं ऐसे सादे चिप्स दे दूं? वाह भाभी वाह, कभी कभी तो आप मुझसे भी आगे निकल जाती हैं। अरे मैंने आपके सामने उस बिचारी को इतना डांटा और आप सच बोलने के बजाय हमसे ही कह रही थी कि सुबह सुबह आप लोग शुरू हो जाते हैं। प्रवीणा मैं उसके बाद कहने ही वाली थी कि मैंने कहा था मीनाक्षी से लंबे लंबे चिप्स काटने के लिए। हाँ? लेकिन ऐसा लगा तो नहीं, और दोनों लाइनों के बीच में कोई कनेक्शन भी नहीं था। कनेक्शन था गटू भाई? चिप्स? हाँ? मुझे चिप्स दो ना भाभी, मैं गिर जाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे ऐसे ऐसे चिप्स खानी है मुझे। हाँ हाँ देती हूँ गट्टू भाई, लेकिन पहले आप मीनाक्षी को बुला कर ले आइए, तब तक मैं चिप्स तलती हूँ। तलती हैं? अच्छा। मीनाक्षी भाभी। गट्टू काका। नहीं जय श्री कृष्ण। चिप्स भूख लगी है? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहाने जाना है, अब जरा बाथरूम से टॉवल ला कर दीजिए ना। टॉवल ला के दो। अच्छा अच्छा। गट्टू काका। हाँ? वो फ्रैक्चर हो गया ना, इसलिए मैं नहीं उतार सकता, आप लेके आ जाए ना प्लीज। ऐसा ऐसा हो गया ना। ठीक है। हाँ? प्लीज जाओ ना। हाँ? मुझे भी हो गया। हाँ गट्टू भाई, बुलाया आपने? हाँ हाँ बुलाया, काम था, मैं भूल गया। मैं भूल गए? टॉवल ला के दो, बाथरूम में से टॉवल ला के दो। अरे बाप रे, अब क्या होगा? तो और भी मजा आएगा। अच्छा एक काम तो ठीक से करो, वरना फिर से डांट पड़ेगी। हाँ अभी लाई। हाँ गट्टू भैया लाई, अभी लाई। श्री कृष्ण। तो प्लीज, तो बड़ा बिरानी बेबी बेन, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पति मेरे लिए सब कुछ है, भगवान की कसम खा के कहती हूँ, मैंने कभी किसी गैरमर्द को आँख उठा के देखा भी नहीं। तो भाभी अभी ऐसा क्या कर लिया जो आंखें बंद करके खड़ी है आप? बेबी स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस यार। ओ मिस्टर कोटक, उल्टे घूम के क्यों खड़े हो? उल्टे खड़े हो गए मतलब कुछ नहीं हुआ क्या? श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, ये कान्हा मेरी लाज रख ले। अरे मीनाक्षी का की द्रौपदी जैसी हालत तो अनीश की है। मीनाक्षी काकी प्लीज बाहर तो जाइए। भाभी सीधा जाइए। ओ उल्टे राम, अब सीधे हो जाइए, मीनाक्षी काकी गई। गई? ओके। I am really sorry. It was just an accident. पर तुमने कड़ी क्यों नहीं लगाई थी? ओह, टूट गई कड़ी। अच्छा ठीक है, अब जोर जोर से गाते गाते नहाना। प्रवीणा भाभी, सुने क्या हुआ? भाई। This is how we do it. Ta 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 ta. ओ पॉप सिंगर। हाँ हाँ। गाते गाते ना होगे तो भी दरवाजा बंद करना पड़ेगा। ओह यह ओके, दिस इज हाउ वी डू इट, दिस इज हाउ वी डू इट।